वैश्विक महामारी के बीच प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए आज जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से राहत सामग्री जिला प्रशासन को सौंपी गई। इस दौरान अजमेर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन द्वारा जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा को 100 क्विंटल आटा, 25 क्विंटल चावल और 10 क्विंटल आलू सौंपे गए हैं, जिससे कि प्रशासन इस महामारी के दौरान गरीब असहाय लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा सके। शहर अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के सहयोग से राशि एकत्रित कर मुख्यमंत्री के आह्वान पर लोगों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह सामग्री सौंपी गई है। इसके साथ ही 2000 मास्क पुलिस प्रशासन को भी सौंपे गए हैं, जिससे कि वह इस संक्रमण से अपना बचाव कर सके। आज किसको राशि सौंपी है, मतलब राहत सामग्री पहुंची है, क्या सौंपा है? अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से COVID-19 जो एक महामारी के रूप में पूरे विश्व के अंदर छाया हुआ है, उसमें राहत कार्य करते हुए सूखी खाद्य सामग्री हमने यहाँ जिलाधीश महोदय को सौंपी है। और उसके अंदर हमारा 1000 बैग 10-10 किलो के आटे के, जिसकी कुल क्वांटिटी 100 क्विंटल है, और 25 टन हमारे जो है चावल हमने यहाँ सौंपे हैं हमारा, और आलू की बोरियाँ भी हमने यहाँ दी हैं। हमारा उद्देश्य है कि जिस तरह राज्य सरकार ने दिशा निर्देश दे रखे हैं और राज्य सरकार की जो चाहत है कि कोई व्यक्ति राजस्थान के अंदर भूखा नहीं सो, उसी के तहत अजमेर के अंदर कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, कोई व्यक्ति भूखा ना सो, उसके लिए कांग्रेस समय समय पे मदद करती हुई आई है। अभी हमारा हर वार्ड में कार्य चल रहा है और अभी हमने जिलाधीश महोदय को यहाँ हमारी तरफ से जो है सामान सौंपा है कि राहत के लिए जो जरूरतमंद लोग हैं उनको ये दिया जाए। ठीक,